Morning children, welcome to your English class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's English class with the discussion of the password. Our password for today is carpenter. It is a noun. Hindi mein hum ise keh sakte hain badhi. In English, a carpenter is a person who makes things from wood. Carpenter wo person hai jo lakdi se cheeze banata hai. So now about using this word to frame sentences, it can be like that. He is a skillful carpenter. Another sentence can be, Jesus was a carpenter. So that was about our password. Now what we are going to do today in our English class, children, as you know that we are doing our chapter number 4, helping and sharing these days. So in which we are discussing about the importance of helping and sharing. So we will be discussing it further. Let us start. Children, we are doing our chapter number 4 in our English Communicate book. So the name of the chapter is Helping and Sharing. So all of us know that it is about helping and sharing. Help karna uske baare mein hai aur apni cheeze share karna uske baare mein bhi hai. So ye bahut achhi qualities hain kisi ki help karna aur apni cheeze share karna. So the main character of this story इस अप्पू अप्पू के बारे में है ये स्टोरी. इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर अप्पू है. सो हु इज अप्पू? अप्पू इज अ लिटिल बॉय हु लव्स कैरेट हलवा. अप्पू एक छोटा बॉय है जिसे कैरेट हलवा पसंद है. गाजर का हलवा उसे बहुत पसंद है. सो वो आपको भी पसंद होगा चिल्ड्रन. एज द विंटर्स आर अप्रोचिंग, सर्दियाँ आ रही हैं, आ गई हैं. और एज़ यू नो कि जो कैरेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं विंटर्स में. सो सर्दियों में ही हम विंटर्स में ही हम कैरेट हलवा बनाते हैं और उसे खाते हैं. सो अ लिटिल बॉय नेम्ड अप्पू लव्ड कैरेट हलवा. सो वन डे ही सॉट सम कैरेट सीड्स. एक दिन उसने अपने घर के आसपास कुछ कैरेट सीड बोए. एंड सो दैट हिज ग्रैंडमा कुड मेक हलवा फॉर हिम. किस लिए बोए? कि उसकी जो दादी माँ है वो उसके लिए हलवा बनाए. सो हलवा पसंद था अप्पू को, तो उसको पता था कि हलवे के लिए हमें कैरेट्स चाहिए. और कैरेट्स कहाँ से आएंगी? कैरेट के सीड हैं वो उसने बोए ताकि उसे कैरेट मिले और ग्रैंड माँ उसका हलवा बनाए. सो ही वॉटर द सीड्स एवरी डे. उसने उनका केयर किया जो उसने सीड बोए. आपको पता है सीड को सिर्फ सॉइल में या ग्राउंड में डाल देना ही काफ़ी नहीं होता, उसे वाटरिंग करनी होती है और उसे एयर चाहिए और उसे सनलाइट चाहिए ताकि वो ग्रो हो सके. सो अप्पू ने एयर तो थी अवेलेबल, सनलाइट भी थी, और अप्पू ने अपना काम किया, उसने उसको वाटरिंग किया. सो ऑन मोस्ट ऑफ द सीड्स ग्रो इनटू बेबी कैरेट्स. जैसा कि होता है कि वो छोटे छोटे जो सीड्स हैं वो छोटे छोटे सैपलिंग बन गए, बेबी प्लांट बने. फिर वहाँ पर कैरेट लगी छोटी छोटी. कैरेट क्या है? रूट है जो उस प्लांट का. हम कुछ प्लांट्स की रूट खाते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स की लीव्स, कुछ प्लांट्स की स्टेम, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स खाते हैं. सो जो कैरेट है वो एक्चुअली उस प्लांट की रूट है जो हमें खाने में अच्छी लगती है. सो वो बेबी कैरेट्स तो आ गई. फिर वन ऑफ द कैरेट्स ग्रू. उनमें से एक कैरेट बड़ी हो गई और grew till it became very big. वो बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई कैरेट. और फिर क्या हुआ? अप्पू tried to pull it out. अप्पू ने सोचा इसको निकाल लूँ, इस एक से ही हलवा बन जाएगा अच्छा. उसने खींचने की कोशिश की but he could not. वो खींच ही नहीं पाया. So he called his friend Tina. उसने अपनी फ्रेंड को बुलाया, टीना जो पास में ही खेल रही थी. किस लिए बुलाया होगा? Can you guess? So for द स्टोरी उसके लिए हम लुक एट अवर इंग्लिश बुक पेज नंबर 38. सो ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर 38. आगे की स्टोरी में क्या है वी विल डिस्कस. ओपन योर इंग्लिश कम्युनिकेट बुक पेज नंबर 38. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में आगे क्या होता है? अब तक हमने जाना कि अप्पू कोशिश कर रहा है, ही ट्राइज टू पुल आउट द कैरेट. अपनी पूरी कोशिश से कि कैरेट को पुल कर सके. एज वी नो कि कैरेट क्या है? रूट है, तो उसे पुल करना था.
उसने उसके जो लीफ से पकड़कर उसे पुल करना चाहा, बट वो नहीं कर सका. देन ही कॉल्स हिज फ्रेंड टीना, अपनी फ्रेंड टीना को वो बुलाता है. सो अपू इज सेइंग प्लीज हेल्प मी पुल दिस कैरेट आउट, देन ग्रैंडमा कैन मेक हलवा फॉर अस. सो अपू कह रहा है कि मुझे इस कैरेट को निकालने में मदद करो टीना, ताकि ग्रैंडमा हमारे लिए हलवा बना सकें. सो कैन यू थिंक चिल्ड्रन कि अप्पू क्या कह रहा है कि ग्रैंडमा कैन मेक अस हलवा फॉर अस, मीन्स वो पहले से ही रेडी है कि हलवा बनेगा तो मैं शेयर करूँगा, सिर्फ अकेले नहीं खाऊँगा. वो ऐसा भी बोल सकता था सो दैट ग्रैंडमा कैन मेक हलवा फॉर मी. नो, उसने सोचा कि ग्रैंडमा हलवा बनाएंगे, वो हलवा सबको पसंद है तो हम सब शेयर करेंगे. सो टीना पुल्स अप्पू. अब टीना हेयर, दिस इज टीना, लुक एट दिस सीन. वो अप्पू को खींच रही है, अप्पू उस कैरेट को खींच रहा है. देन अप्पू पुल्स द कैरेट, दे पुल एंड पुल. वो खींच रहे हैं बट इट इज़ टू ह्यूज. उस कैरेट को जो सॉयल से पूरी तरह जैसे हम कह सकते हैं कि जकड़ी हुई है, मतलब उसके जो रूट्स हैं वो सॉयल में इतनी फैली हुई हैं कि उसे निकालना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने होल्ड किया हुआ है, सॉयल ने कैरेट को पूरी तरह पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तभी तो प्रॉब्लम आ रही है उसे पुल आउट करने में. टीना भी आ गई, टीना ने अप्पू को पुल किया, अप्पू ने कैरेट को पुल किया, एंड दे पुल एंड पुल. और वो खींच रहे हैं बट दे कैन नॉट पुल द कैरेट आउट. पर वो गाजर निकाल ही नहीं सकते हैं, वो नहीं निकाल पा रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम हो गई है. अब हलवा भी खाना है, उसके लिए कैरेट भी चाहिए, अपनी पूरी कोशिश कर ली. देन टीना कॉल्स मिनी. अब टीना मिनी को बुलाती है. सो पहले अप्पू था, फिर टीना आ गई, एंड अब नाउ टीना कॉल्स मिनी. अब टीना मिनी को बुलाती है, मिनी भी उनकी फ्रेंड है. सो टीना इज सेइंग मिनी डू हेल्प अस पुल दिस कैरेट आउट, प्लीज़ हमारी मदद करो इस कैरेट को खींचने में. मिनी जल्दी आओ, हमारी मदद करो कैरेट को खींचने में. सो अप्पूज़ ग्रैंड मा विल मेक हलवा फॉर अस. अब कैरेट आएगी बाहर, तो अप्पू की जो दादी माँ है, अप्पू की जो ग्रैंड माँ है, वो हम सबके लिए हलवा बनाएंगे. सो इसलिए आप कैरेट खींचने में मदद करो. सो कि सभी रेडी हैं हलवा खाने को, बट दे ऑल नो कि हलवा किससे बनेगा, कैरेट से. और कैरेट कहाँ है, वो तो ग्राउंड में. और कैरेट को किसने होल्ड किया हुआ है, सॉयल ने. वो सॉयल छोड़ ही नहीं रही है कैरेट को, तो कैसे बाहर आए. सो स्टूडेंट, सो चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन आर ट्राइंग देयर बेस्ट. अप्पू, देन टीना, एंड देन मिनी, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं. मिनी ने भी ज्वाइन कर लिया, पहले अप्पू था, टीना थी, अब मिनी भी आ गई वहाँ पर. अब हेयर यू कैन सी द नेक्स्ट सीन इज दैट नाउ मिनी पुल्स टीना. अब मिनी टीना को पुल कर रही है, टीना अप्पू को पुल कर रहा है, और अप्पू कैरेट को पुल कर रहा है. बट वो कैरेट ऐसी है कि वो बाहर ही नहीं आ रही, उसे सॉयल ने पूरी तरह होल्ड किया हुआ है. सो मिनी, टीना एंड अप्पू तीनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कैरेट को बाहर निकालें ताकि हलवा खा सके. बट दे पुल एंड पुल, कोशिश किए जा रहे हैं, उसे खींचे जा रहे हैं. तीन जो है, आप कह सकते हैं कि तीन पर्सन हैं या तीन बच्चे हैं, इन्होंने अपना पूरा ट्राई कर लिया, बट दे कैन नॉट पुल द कैरेट आउट. बट वो कैरेट, हेयर यू कैन सी दिस इज़ अ ह्यूज कैरेट, और ये बहुत थिक कैरेट है, इतनी ये थिक है और ह्यूज है. वो उन तीनों बच्चों से भी बाहर नहीं आ रही है. सो आपने कुछ देखा होगा, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में या टीवी चैनल्स पर हमें दिखाए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट्स, लार्ज फ्रूट्स होते हैं, वो ग्रो होते हैं, तो उनका जो इमेज दिखाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है. सो आई थिंक ये कैरेट भी ऐसी ही होगी. बाकी सारी कैरेट इतनी थिक और ह्यूज नहीं थी, बट ये एक कैरेट ऐसी थी कि वो इतनी ह्यूज हो गई, और पूरी तरह से उसे सॉयल ने होल्ड किया हुआ है. बच्चे कोशिश कर रहे हैं बट वो बाहर नहीं आ रही. देन मिनी कॉल्स राजा. अब मिनी अपने फ्रेंड राजा को बुलाती है. पहले तीन हैं, कौन है,
अप्पू, टीना एंड मिनी। एंड देन नाउ मिनी सिचुएशन को देखते हुए अब सोचती है राजा को बुलाया जाए। राजा पुल्स मिनी, हेयर यू कैन सी, अब ये 3 से 4 हो गए। दिस इज अप्पू, दिस इज टीना, दिस इज मिनी एंड दिस इज राजा। अब ये चारों मिलकर कोशिश कर रहे हैं। राजा पुल्स मिनी, मिनी पुल्स टीना, टीना पुल्स अप्पू एंड अप्पू पुल्स द कैरेट। ये देखो पूरा ये कोशिश कर रहे हैं, दे पुल एंड पुल, कोशिश करे जा रहे हैं बट दे कैन नॉट पुल द कैरेट आउट। ये कैरेट इतनी स्टबन है कि वो बाहर ही नहीं आ रही। ये चार बच्चे मिलकर कोशिश कर रहे हैं, वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। हेयर यू कैन सी देयर आर अदर कैरेट्स टू, पर वो इतनी ह्यूज नहीं है। सो अप्पू ने सोचा इस एक ही कैरेट को निकाल लिया जाए, ये बाकी जब तक और ज़्यादा ग्रो होंगी हम इसी का ही हलवा दादी माँ से बनवा कर खा लेंगे। बट वो कैरेट ऐसी है, वो नहीं निकल रही है। सो ये चारों बच्चे कोशिश कर रहे हैं। सो देखते हैं आगे कि क्या होता है स्टोरी में, क्या वो बच्चे इस कैरेट को निकाल पाते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर अवर इंग्लिश क्लास टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास चिल्ड्रन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।